नमस्कार, न्यूज अभियान अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईँहरूलाई एउटा सनसनीपूर्ण समाचार प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट मात्र न्यूज अभियान अनलाइन टेलिभिजनमा। पूर्व मन्त्री श्याम सुन्दर गुप्ताले गरेको अर्को एक करतुत पर्दाफास भएको छ। यस्तो सनसनी खबर न्युज अभियान .com फेला पारेको हो। रेशम बहादुर प्राखरिन जो जग्गा व्यापारी थिए, जग्गाको विवादमा मैले जेल हालेँ भन्दै उनले फुकेको अडियोबाट उनको अनैतिक धन्दा पर्दाफास भएको हो। कुरा केही हप्ता अघिको हो। पूर्व मन्त्री श्याम सुन्दर गुप्ता विगतमा पनि उत्तिकै डर लाग्दो र कहाली लाग्दो थियो, जबकि रेशम बहादुर पाखरिनलाई एक 35 वर्षीय युवती खडा गरी जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जेल पठाउन गुप्ता सफल भएपछि उनको नियत उदाङ्गिएको हो। यो घटनामा संलग्न प्रहरी र न्यायालय समेत शङ्काको घेरामा परेको छ। अपराधले अपराधी चिनाउँछ भन्ने उखान अपहरण मुद्दामा करिब 4 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरी केही महिना अघि छुटेका पूर्व मन्त्री श्याम सुन्दर गुप्ताको अनेक धन्दा चरितार्थ भएको हो। उद्योगपति पवन सङ्घलाई अपहरण मुद्दामा 4 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरी छुटिएका गुप्ताका अनैतिक धन्दा निरन्तर चलिरहेको अर्को खबर पनि उत्तिकै रोचक भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले धोबीघाट स्थित रेड रोज इन्टरनेसनल म्यान पावर कम्पनी सञ्चालक एक महिलालाई गुप्ताले धम्की दिई 50 लाख रुपियाँ माग गरेका थिए। तत्कालीन ललितपुर परिसर प्रमुख पिताम्बर अधिकारीका अनुसार रेड रोज इन्टरनेसनल म्यान पावरकी सञ्चालक चितवन भरतपुर चार घर बताउने 42 वर्षीय तारा रेग्मी हुन्। उनै म्यान पावर सञ्चालक तारासँग आर्थिक लेनदेनको विषयमा मनमुटाव बढ्दै गएको थियो। गुप्ताले त्यो घटनाले पनि उनको नियति उदाङ्गिएको थियो। त्यसै गरी गुप्ताले व्यक्तिगत लेनदेनमा पछिल्लो समय रेशम बहादुरलाई हामीले यो नाम परिवर्तन गरेको छौँ। परिवर्तन जावलाखेल 8 135 वर्षीय महिला प्रयोग गरी जबरजस्ती गर्ने भन्दै गिरोह मार्फत सक्रिय भए। गुप्ताको नियत खराब भएको घटना विवरणले पुष्टि प्रष्ट पार्दछ। रेशम बहादुर र उनको परिवार मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन्। आखिर कहिलेसम्म चल्छ उनको डरलाग्दो धन्दा? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। रेशम बहादुर र उनको परिवार न्यायको पर्खाइमा अदालतको ढोका हेरिरहेका छन्। अब उनले न्याय कहिले पाउने हो? गुप्ताले एक व्यक्तिसँग गरेको टेलिफोन वार्ता पनि न्युज अभियान .com फेला पारेको छ। जुन वार्तालाप जस्ता हेलो, हाँ हाँ हो गया था, हाँ डिस्टर्ब हो गया था। हम पुनरावेदन राम बाबू नहीं जाएंगे, उनको पैसा दे देना, उनको भी भरता पड़ गया है। अब वार करता हमरे पीछे जौन बाबू सब बेटा छोटा परसंतवा जो गाली बकले रहे, आज जाके जौन भाई सिखार जौन बाटे जूता वाले उनके धमकैले से तपाईँ किराया भाडा किन उठाउनुहुन्छ, यो किराया भाडा त रेशमको उसको भाइ आउँछ उसले उठाउँछ। अब ओके यहाँ का मतलब बदतमिजी हो त सर, बदतमिजी जौन करे बा। हम भैया आपसे पहले भी कहा कि संतान दे ले कोनो तरीका से, पहले शुरू से कहा था होता थोड़ी रहो, वो तो हम कहीं भी आपको 50 दिन के अंदर का समय है, नहीं उसे सलता देंगे। कहने तो पहले से भी आप कहते आए हैं सलताने के लिए, लेकिन आज तक सल्ट गया होता तो सब समस्या नहीं आया होता। वो लोग कहे सब करते हुए तो हमको मालूम नहीं हुआ कि आज वाला क्या ऐसा है ना। जब इस तरह से बदतमीजी उतर रहे हैं तो हम अपना घर लिखाएंगे, हम लोग भी अपना मुद्दे उद्दिन चले। हम चाह रहे थे कि हम 50 दिन के अंदर उनको पैसा पेमेंट कर दें। अब जो हमारे दुश्मन साथ जिसको हम साले को बंद करा के रखे कल उसको हम जेल भिजवाएंगे, अब उसके सपोर्ट में वो जा रहे हैं, तो इनसे दोस्ती का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं नहीं भैया, ऐसा है ना कि दोस्ती का बात नहीं तो ठीक आ रहे हैं आप, मतलब
लेकिन आप तो शुरू से कह रहे हैं अगर सल्ट गया होता तो ये बात नहीं आता हमारे समझ से। तो हम आपसे कहना था कह दिए उन लोग से तो नहीं कहेंगे। नहीं ठीक है तो अब नहीं आज का बात है कर रहे हैं आज का हाथ का बात जाके गाली वाली दिया उसको साले किराए क्यों उठा रहे तुम। अच्छा और हम सुने थे कि वो भी जो है लिख करके पत्र लाल पूजा का फोटो का भी सबको दे दिया है दुकानदार को दे दिया है इसलिए ना उसको हम भीतर करा दिए। अच्छा दे दिया तभी ना भीतर गया वो। अच्छा यही मादत के भी प्रसंग क्या है कि तो वहाँ जाके सबको कहने का गाली गलौज करने का उनको इस्तेमाल को किराया क्यों उठाया तुमने क्यों कर रहा है। नहीं नहीं कहने का मतलब अगर समस्या समाधान हो गया होता तो ये सब तो आपके सहयोग के लिए हमेशा 10-20-50 लाख रुपए घटे बढ़ने पर सहयोग करते हैं। आप देखिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक भी कि अपना आदत सुधार लें है ना। हम लोग उनको 50 दिन के अंदर हम पुनरावेदन नहीं जाएंगे उनको पैसा दे देंगे अब नहीं सुधारेंगे। आप जो है कभी 26-27 घंटे पहले भी कहते आए हैं हाँ। नहीं कहें तो कहिए आप कहते हैं 25 देंगे तो 26 देंगे 27 देंगे है ना। अब अपना आदत सुधारेंगे तो ठीक है हाँ। और नहीं तो हम अपने हिसाब से अपना चलेंगे क्या करना है बात क्यों सुनेंगे आपसे हम क्यों रिक्वेस्ट करेंगे और आप पर बात क्यों सुनेंगे। नहीं वो तो है मतलब आपसे आप दिमाग तक भी लगो लगे जहाँ तक हो सकल लगाए शुरू से आप जो है अपना दिमाग लगाते फंसाते चले गए हैं। डिस्कस करने कोई बात नहीं है फिर आपसे नहीं वो ऐसा बात सुने तो हमने आपको कह दिया उनसे कहिए कि वो शरारत न करें अपना हम लोग उनके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जैसे जल्दी सुलटा लेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए हमारे विचार से हमें बात आपसे पहले भी कहते आए हैं। देखिए जितना जल्दी करवा लीजिए जब तक नहीं सकतेगा 50 दिन के अंदर तब तक वो बदतमीजी करते रहेंगे 50 दिन क्या गोरेंगे पैसा का प्यार है तो उसको जितना जल्दी 50 दिन क्या देंगे नहीं मतलब हम मतलब ऐसे करते रहेंगे। अब हम कैसे क्या कहें उनको तो अभी भेंट नहीं हुआ है उनसे भेंट होगा तो हम बात करेंगे लेकिन अब किसको हम कैसे रोक पाएंगे आपको नहीं रोक पाए आपको पैसा दिए राजीनामा करने के लिए आपको नहीं अब आपको फोन कर दिया अब इस बारे में अब आइंदा हम आपको फोन नहीं करेंगे ना आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप सही बात बताने पे आप हमेशा ही कहते हैं हम नहीं फोन करेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं अब नहीं कहेंगे ना अब नहीं हम आपसे ही हमारा रिक्वेस्ट है कि जो जितना जल्दी हो सलता लीजिए अच्छा रहेगा हो जाएगा। 50 दिन मत अगोरिए जितना जल्दी हो सलता लीजिए अच्छा रहेगा ठीक है। अच्छा नमस्ते।